जो हर आंगन इनका है वो गांव है मुम्हार युवा साथी है बोलू बोलू नाम है ना वैसे नाम है संदीप जी। ये देखें उन्होंने एक लगन और एक समर्पण से ये जो बच्चा तैयार किया है अलोक से आप देखें मात्र 8.5 महीने की आयु है लेकिन हम की बनावट बॉडी स्ट्रक्चर और जो चेहरे मोरे की बनावट सुर्ख काले काले इसके नथुने सुर्ख काली इसकी आंखें और एक अच्छा हरियाणा नस्ल का एक उमड़ता हुआ अच्छा नस्ल का ये बच्चा है जिसे नस्ल को काफी लाभ आने वाले समय में हो सकता है। भाई बहुत बहुत 8.5 महीने की उम्र तकरीबन 8.5 महीने पहले इसी घर आंगन में इसी खूटे पर रामू की जो बेटी है नेत्रहीन है दृष्टिहीन है देख नहीं पाती है ज्योति जो है वो परमात्मा ने इसको नहीं दी लेकिन फिर भी ये देखें इसकी जो सेवा युवा साथी ने की है ये अलौकिक। तो रामू की ये बेटी है और फर्स्ट टाइमर इसने जो थर्ड पास से विकसित किए अर्डर जो विकसित किया वो वाकई में सराहनीय कोई लाखों में एक गऊ इस तरह की देखने को मिलती है। इसको जब गर्भवती करवाया गया रामू की ये बेटी है इसकी माँ जो है वो अंदर है 3 साल पहले गऊ की जब मिल्किंग की गई थी तो इसी गऊ ने 9.5 लीटर की जो बाल्टी है वो भरी जी। सबसे पहले जीतू भाई साहब राम राम और जीतू रेवोल्यूशनरी चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। वो इसके नौवे लोकेशन की बच्ची है जो अपने वो जो है वो नवे दूध पे शायद नहीं जा पाई इसने भाई साहब 19-20 किलो दूध एक तो छठे ब्यात में दिया ठीक है और एक इसने दिया नौवे ब्यात में ठीक है चौथे ब्यात में मेरे पास आई थी ठीक है एक बार ये मैंने किसी यार दोस्त को दे दी थी उसके बाद ये ज्यादा कमजोर रहने लगी ठीक है तो उम्र होगी भाई साहब और अब ये नॉर्मल दे है 16-17 किलो दूध 16-17 किलो अब ये ढाई भी नहीं की जाई है ठीक है और इसके 15-15.5 किलो दूध तैयार है 15.5 किलो दूध अभी तैयार है। ये देखें गऊ हम की बनावट देखें चेहरे की बनावट देखें कद काट की देखें शरीर को है भाई साहब देखें और ये जो नन्हे बच्चे हैं बहुत बढ़िया बेटा हाथ लगा करके दिखाओ अपनी गऊ अच्छा देखो शाबाश दूध गाय वाला ना ये देखो हरियाणा गऊ जो सबसे ज्यादा जो हानि इस नस्ल को पहुंची कि इसका स्वभाव कटु है ये शरारत ज्यादा करती है बहुत ज्यादा चंचल है लेकर भाग पड़ती है इस तरह का लेकिन फिर भी हरियाणा नस्ल ये बताएं ये भाई साहब शक्ति की नीचे बैठ जाओ या उठने में दिक्कत आएगी हाँ हाँ बताएं ये शक्ति की बछड़ी भाई साहब ठीक है दाई भी नेश की उम्र होगी जी और अपनी बुढ़ी गाय की 12वें ब्यात की बछड़ी 12वें ब्यात की तो ये देखें जो बछड़ा था वो भी थोड़ा सा ललवासे रंग में आया था बाद में पूर्णतः सफेद हुआ ये जो है ये भी धीरे धीरे इसका करेक्टर बहुत बढ़िया भाई साहब ठीक है उसको और दिखाना चाहेंगे जो आपने बताया क्योंकि आप खुद प्रोफेशन आपका देखो भाई साहब ये भी एक एक ये देखो एक एक इंच के फंड जी मात्र 2.5 महीने की उम्र ये देखें सूज पर खुद देखें खुद जाते और खुद पढ़ते जिन नस्ल जो है उसको सर्वाधिक लाभ हुआ इनके ब्रीड रॉस उन्होंने एक अच्छी नस्ल साल दर साल और आपस में कॉम्पिटिशन करवा करके और उस नस्ल को इस तरह से स्तर पर विकसित किया कि उनके पास 10-10 पीढ़ियों के रिकॉर्डेड सांड हैं लेकिन हरियाणा नस्ल की अगर बात करें तो इस तरह के सांड ये लेकिन सेकेंड और थर्ड जनरेशन आकर के ये बुल इसकी माँ के बारे में कहा जा सकता है रामू की बेटी रामू की माँ के बारे में कहा जा सकता है उसकी वो जो माँ है युवा जो साथी थे वो यहाँ पर आकर के इस गऊ को और इन मालिक को सम्मानित करके गए थे कि अंधी बछड़ी की जो आपने इस तरह की सेवा की ये काफ़ी कम देखते हैं और उसी से सेवा जो की न केवल अच्छा दूध उत्पादन दिखाया लेकिन बछड़ा आता बस बस मोरा इसको खोलें मोरे को खोलें और आज इसके पहले दिन मोरा लगाया है इसलिए ये जो है थोड़ा सा होपलेस होगा और बहुत सुपर एक्सीडेंट। तो आपके मुंह से मैं जानना चाहूंगा खुद बोल करके बताएं क्या कुछ दूध उत्पादन रहा इस गऊ का इसका भाई साहब एक ठनादा था जी उसके बावजूद 13.5 किलो दूध इसका मैंने तोलिया जी और फिलहाल ये 8.5 महीने तो ब्याई है जी और 5 महीने ही प्रेग्नेंट है जी अब इसका 6.5 किलो 7 किलो दूध 3 थना से 1 थन में बिल्कुल थोड़ा दूध ठीक है अब कितना है 6.5-7 किलो
तीन थनों से। तो देखिए इस बार भी आपने किससे प्रेग्नेंट करवाई है? शक्ति भाई। शक्ति से। तो देखें जा करके संजय से लाए थे आपकी? हाँ, संजय से। संजय से लेकर के आए थे। युवा साथी हैं संजय नावता पचेरी से। निःशुल्क उनको शक्ति के सीमन दिए गए कि कोई भी अच्छे हों कृपया करके उनको वितरित करें, क्योंकि हरियाणा नस्ल जो है अगर इससे लाभान्वित होती तो हमें खुशी होगी। तो